मथुरा प्रदेश सरकार के कड़े निर्देशों के बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला मथुरा के थाना मगोरा इलाके के सोंक पुलिस चौकी के सामने आया है। यहां पर एक दरोगा ने ट्रक चालक को बुरी तरह से लात घूसों से पीटा। इस पिटाई का वीडियो वायरल हो जाने के बाद दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। अब हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वह पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करने वाली है। तस्वीरों में देखने के बाद यूपी की कमित्र पुलिस का असली चेहरा सामने आया है, जो यह बताने के लिए काफी है कि जब दरोगा को गुस्सा आ जाए तो वह कभी भी और कहीं भी आपको गिरा सकते हैं और लात घूसों से मजामत कर आपकी इज्जत का जनाजा निकाल सकते हैं। यह तस्वीरें किसी फिल्म शूटिंग के हिस्से की नहीं है, बल्कि यह तस्वीरें बेहद शर्मनाक और यह तस्वीर मथुरा के कस्बा सोंक क्षेत्र से आई है, जहां सोंक चौकी पर तैनात दरोगा मोहित कुमार ने वर्दी वाले गुंडे का अवतार लेते हुए एक ट्रक चालक की बेरहमी से जमकर सड़क पर गिरा गिरा कर पिटाई की। वर्दी वाले दरोगा खाकी के रूप में ट्रक चालक को पीटते रहे, ड्राइवर हाथ जोड़ता रहा, लेकिन दरोगा मोहित कुमार का दिल नहीं पसरिचा। दरोगा जब ट्रक ड्राइवर को लात घूसों से कानून का पाठ पढ़ाने में लगे हुए थे, तब किसी ने भी ट्रक ड्राइवर को बचाने की हिम्मत नहीं उठाई। शायद उसकी वजह रही होगी कि कहीं दरोगा जी का कहर कहीं बचाने वाले पर न उतर जाए, लेकिन दरोगा की करतूत ने लोगों को हिलाकर रख दिया और किसी समझदार ने उसका वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। सोंक चौकी पर तैनात दरोगा मोहित कुमार के वर्दी वाले गुंडे का यह अवतार भले ही वायरल हो रहा हो, लेकिन दरोगा की आम शोहरत ऐसी ही है कि वह जब चाहे जहां चाहे किसी को भी इसी तरह का पाठ पढ़ाने लग जाते हैं। और बताया जा रहा है कि दरोगा मोहित कुमार ने ट्रक चालक को सिर्फ इसलिए यह सजा दी कि वह गुंडा टैक्स या यूं कहें कि दरोगा की अवैध वसूली को नकार रहा था, जिस पर दरोगा को गुस्सा आ गया और उसके बाद जो कुछ हुआ वे आपके सामने तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। दरोगा मोहित कुमार द्वारा की गई पिटाई का वीडियो वायरल हो जाने के बाद एसएसपी गौरव ग्रोवर ने आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। एक ट्रक चालक की पिटाई का मामला सामने आया था, सर क्या कार्रवाई की गई? देखिए, कल रात में एक सूचना आई थी और एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर जो है एक ट्रक चालक के साथ अभद्रता कर रहे हैं, मारपीट करते हैं। तत्काल इसकी जांच मौके पर सीओ गोवर्धन से करवाई गई, जिसमें ये तथ्य सही पाए गए। उनकी रिपोर्ट पर तत्काल उस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही में उनकी विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी। हमने अपने सभी फोर्स के जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सबको निर्देश पुनः दिए गए हैं, किसी भी जनता के व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता या किसी भी प्रकार की उनके साथ कोई ऐसी जाति जो है वो नहीं करनी चाहिए, अच्छा व्यवहार रखें, कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सकता है। सर, मामला क्या सामने आया था, किस वजह से पिटाई कर रहा था? देखिए, ये कोई ट्रक जो है जो चालक था उसके द्वारा गलत पार्क किया गया था, उनको उस बारे में कहा गया, उनके द्वारा भी कुछ कुछ बातें सामने आई हैं, उसके लिए अभी जाँच मार की है, सारे तथ्य सामने आए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.